वेलकम स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्लैश स्टीम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, फ्लैश स्टीम क्या होती है, कैसे हम उसको रिकवर कर सकते हैं, कैसे वो प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोड्यूस कैसे होती है। सो बेसिकली फ्लैश स्टीम तब प्रोड्यूस होती है जब हाई प्रेशर कंडेंसेट जो होता है उसको सडनली हम लो प्रेशर पर रिलीज कर देते हैं और फिर उसको लो प्रेशर पर उसको हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी इस तरह की प्रोसेस की जाती है तब फ्लैश स्टीम प्रोड्यूस होता है। हायर द स्टीम प्रेशर एंड लोअर द स्टीम जहाँ पर हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो ज़्यादा उतनी ज़्यादा जो है हमारी फ्लैश क्रिएट होंगी अल्टीमेटली इतनी क्वांटिटी में। तो जितने आप प्रेशर पे अभी हमारा जो स्टीम है जब उसको कंडेंसेट करके हम लोअर टेम्परेचर पर लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा अल्टीमेटली आपकी स्टीम जनरेट होगी, फ्लैश स्टीम अल्टीमेटली जनरेट होंगी। इन मैनी केसेस फ्लैश स्टीम फ्रॉम हाई प्रेशर इक्विपमेंट्स इज मेड यूज ऑफ डायरेक्टली ऑन द लो प्रेशर इक्विपमेंट्स। दिस इज फॉर द सेक टू रिड्यूस द यूज ऑफ स्टीम थ्रू प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। ओके, जो फ्लैश स्टीम की क्वांटिटी है इट कैन बी कैलकुलेट बाय फॉलोइंग फार्मूला। तो जो परसेंटेज ऑफ फ्लैश स्टीम अवेलेबल आती है अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ फ्लैश स्टीम इट इज डायरेक्टली इक्वल्स टू एस वन माइनस एस टू अपॉन एल टू। इसमें जो एस वन है हमारा इट इज द सेंसिबल हीट ऑफ हाई प्रेस्ड कंडेंसेट, जिसका हायर प्रेशर पर जो कंडेंसेट था उसकी सेंसिबल हीट कितनी है। वेर एज एस टू इज सेंसिबल हीट ऑफ स्टीम एट लोअर प्रेशर, जो लोअर प्रेशर पर स्टीम है एट विच इट हैज टू बी फ्लैश, जिस पर फ्लैश प्रिपेयर होगा उसकी वैल्यू एस टू है। ठीक है, एल टू जो है वो लेटेंट हीट है फ्लैश स्टीम की, जो लोअर प्रेशर पर स्टीम है जो हमने हाई प्रेशर कंडेंसेट को लो प्रेशर पे कन्वर्ट किया उस टाइम जो फ्लैश स्टीम प्रोड्यूस हुई उस लो प्रेशर पे उसका कितना लेटेंट हीट है दैट इज एल टू। इस रेशियो को हम अल्टीमेटली बोलते हैं परसेंटेज ऑफ फ्लैश स्टीम। जब हम ग्राफ क्रिएट करेंगे जो कि आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा जहाँ पर हम प्रेशर के साथ साथ कितनी फ्लैश स्टीम प्रोड्यूस होंगी इसका ग्राफ प्रोड्यूस करेंगे आप, तो जितना आपका प्रेशर ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपकी फ्लैश स्टीम प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फ्लैश स्टीम प्रोड्यूस हो रही है प्रेशर के हिसाब से वो क्लियरली आप एक अपवर्ड मूविंग ग्राफ देख सकते हैं अल्टीमेटली, जो आपका एक्स एक्सिस है वो कितनी फ्लैश पॉइंट्स जो बनने वाले हैं वो है अल्टीमेटली, और आपका जो वाई एक्सिस है दैट इज आप प्रेशर अल्टीमेटली। ओके, तो इस ग्राफ से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं किसी पर्टिकुलर फ्लूइड का हमारा जो फ्लैश पॉइंट है वो भी अल्टीमेटली इंक्रीज होता जाता है अल्टीमेटली। फ्लैश स्टीम कैन ऑल्सो भी यूज ऑन लो प्रेशर अप्लाइंसेस लाइक डायरेक्ट इंजेक्शन एंड कैन रिप्लेस एन इक्वल क्वान्टिटी ऑफ लाइव स्टीम दैट वुड बी अदरवाइज रिक्वायर्ड। तो हम लाइव स्टीम की जगह हम लोग फ्लैश स्टीम का भी यूज़ कर सकते हैं लो प्रेशर पर जहाँ भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। द डिमांड फॉर फ्लैश स्टीम शुड एक्सीड इट्स सप्लाई सो दैट देर इज नो बिल्डअप ऑफ प्रेशर इन द फ्लैश वेसल एंड द कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ स्टीम थ्रू आउट द सेफ्टी वॉल्व। तो जितनी भी डिमांड उससे हमें ज़्यादा हमारा फ्लैश स्टीम हमको प्रोड्यूस करना चाहिए अल्टीमेटली। Generally, the simplest method of using flash steam is to flash from a machine equipment at a higher pressure to a machine or equipment at a lower pressure, जिसकी वजह से steam supply जो है वो lower pressure equipment पे supply कर सकते हैं ultimately. Generally, जो flash steam systems होते हैं जितने flash systems होते हैं वो lowest possible pressure पे operate होते हैं so that the जो maximum amount of flash available रहता है वो back pressure and high pressure system की वजह से as low as possible रह पाता है ultimately. जो flash steam produce होता है from the condensate can be separated into equipment called flash vessel, उसको इस vessel में रखा जाता है। This is a vertical vessel, okay, as shown in figure, this is a flash vessel, ठीक है ना। The diameter of vessel is such that the considerable drop in velocity allows the condensate to fall to the bottom of vessel from where it is drained out of the steam trap preferably to a float trap. तो ये जब भी हम यहाँ से हमारा कंडेंसेट फ्लो करवाएंगे मैक्सिमम जो कंडेंसेट है वो बॉटम कॉर्नर पे ही कंडेंसेट होकर स्टोर हो जाए, फिर हम स्टीम ट्रैप करके इसको इजेक्ट कर सकते हैं सिस्टम से हमारे आउट कर सकते हैं अल्टीमेटली। ओके, तो बेसिक टेंडेंसी क्या होती है किस तरीके से हम फ्लैश स्टीम रिकवर कर सकते हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी टैप्स हैं हमारे जितने भी हमारे ये ऑप्शन हैं ए वाले इनसे हम लोग जो कंडेंस और फ्लैश स्टीम दोनों सप्लाई करते हैं जो जनरेट हुई है अल्टीमेटली फ्रॉम पासिंग, इनको हम वेसल बी में ले जाते हैं ए से, सारा कंडेंस और फ्लैश स्टीम वेसल बी में जाएगा। तो फ्लैश स्टीम इज लेट आउट थ्रू सी, आप सी के थ्रू फ्लैश स्टीम को लेट आउट कर देते हैं अल्टीमेटली यहाँ से, और जो रेसिडुअल कंडेंसेट है
वो गोज आउट हुआ जो हमारा स्टीम ट्रैप है उससे डी से इसको रेसिड्यू का आउटपुट में सेंड कर सकते हैं। ओके द फ्लैश वेसल इज यूजुअली फिटेड विद अ प्रेशर गॉज, प्रेशर गॉज हमारा अल्टीमेटली हमेशा इसमें रहता है फ्लैश स्क्रीन में, जिसके थ्रू हम लोग जितने भी वैल्यू है प्रेशर की वो मॉनिटर कर सकते हैं हमेशा। एक सेफ्टी वॉल्व भी लगा रहता है अल्टीमेटली यहाँ पर, ठीक है ना, इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू वेंट आउट द स्टीम इन सच ऑफ हाई प्रेशर केस में अगर हमको करना है तो हमको रिलीफ वॉल्व की तरह प्रेशर वॉल्व की तरह हम इसको आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारा फ्लैश स्टीम जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम अल्टीमेटली रिकवर करके वापस हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।